बैचलर्स कुकिंग। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे तंदूरी गोभी। जी हाँ, गोभी को तंदूर करके, ये गोभी है मेरे पास, छोटा फूल है, इसको साबुत बनाएंगे हम। और अगर आप चाहें तो इसको काट के सीख में पिरो के वैसे भी आप इसको तंदूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, एक तंदूरी मसाला तैयार करेंगे गोभी के लिए, एक फ्रेश मसाला, जिससे गोभी में उस मसाले का अच्छा फ्लेवर रहे और गोभी अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए, फ्रेशनेस रहे। तो चलिए सबसे पहले मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए हमें कुछ साबुत मसाले लेने हैं। सबसे पहले ये बड़ी इलायची मैंने ली हुई है, ब्लैक कार्डमम, छोटी इलायची, इसके अलावा ये स्टार नीस है, दगड़ फूल या जिसको पत्थर का फूल कहते हैं, स्टोन फ्लावर कहते हैं इंग्लिश में, ये लिया हुआ है। ये मेरे पास दालचीनी है, सिनेमन, इसके अलावा ये लाल मिर्च है साबुत, ये तेज पत्ता या बेल लीफ है, कसूरी मेथी का इस्तेमाल होता है, ब्लैक पेपरकॉर्न या काली मिर्च, धनिया, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर का हम इस्तेमाल करेंगे बाद में, ये खसखस है या पॉपी सीड, थोड़ा सा सौंफ या एनीसिड या फेनल सीड जो भी कहें आप इसको, इसके अलावा हल्दी है, थोड़ी सी हल्दी भी डाली जाती है, बाद में डाली जाएगी, ये क्लोव है, लौंग जिसको कहते हैं, ये मेरे पास सौंठ पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर, ये जीरा क्यूमिन सीड, ये मेरे पास लहसुन का पाउडर है यानी कि गार्लिक पाउडर, अगर आपको मिल जाता है मार्केट में, वैसे मार्केट में मिलता है, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो इसके बिना भी आप ये मसाला तैयार कर सकते हैं। और ये मेरे पास है शाही जीरा या कारवेसी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तंदूरी मसाला। तो मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले एक पैन को एकदम धीमी आंच पर रखें आप, एकदम धीमी फ्लेम पे, और इसमें सबसे पहले डालना है हमें 3 चम्मच साबुत धनिया। क्वांटिटी का ध्यान रखें आप, अगर आपको अच्छा मसाला तैयार करना है तो जितनी क्वांटिटी बोली गई है उतनी ही डालेंगे आप, तो बड़ा ऑथेंटिक और अच्छा तंदूरी मसाला तैयार होगा। इसके अलावा इसमें 1/2 चम्मच पड़ेगा शाही जीरा या कारवेसी, इसके अलावा 1 चम्मच पड़ेगा जीरा, साथ में 1 चम्मच ही डालना है आप ये काली मिर्च, और 1/2 चम्मच डालनी है आपको सौंफ, 1/2 चम्मच मतलब 1/2 चम्मच। इसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, और आंच एकदम धीमी होनी चाहिए, ये ड्राई रोस्ट करना है हमें, और अब इसमें ऐड करेंगे हम ये जो स्टारनीस है, इसका बहुत तेज फ्लेवर होता है, तो इसका एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये, बस इतना ही डालें आप, नहीं तो ये ओवर पावर कर देता है मसाले को। इसके अलावा दालचीनी के 1 इंच के लगभग 3 टुकड़े, इसको तोड़ के डाल लें आप, और साथ में डालेंगे हम बड़ी इलायची, 4 बड़ी इलायची, इस तरह से खोल के डाल लें इसको भी, ताकि अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए, और इसको एक बार मिक्स करें, और अब इसमें ऐड करेंगे हम 4 तेज पत्ता, बड़े पत्ते हों 4 तेज पत्ते ले लें आप, ऐसे क्रश करके डाल दें, और साथ में डाल देंगे हम लगभग 6 से 7 लाल मिर्च, अगर कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हो आप तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कलर देती है, ज़्यादा तीखी नहीं होती, ये हम तीखी वाली यूज़ कर रहे हैं, साथ में कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर यूज़ करेंगे हम, ताकि कलर भी आए और थोड़ा मसाले का तीखापन भी आए। इसके अलावा इसमें डाल दें 4, हमने बड़ी इलायची डाली है तो 4 ही इसमें डाल देंगे हम छोटी इलायची, और इसमें डालेंगे हम 6 लौंग। तो एक बार मिक्स कर लें ताकि मसाले इवनली कुक हो, एक तरफ ज्यादा कुक हो एक तरफ कम ना हो। और अब इसमें हम ऐड करेंगे स्पून फ्लावर, ये थोड़ा सा अगर आपको मिल जाए तो लगभग 2-3 पत्ती इसकी डाल लें, ये भी एक अच्छा सा फ्लेवर दे देगा हमारे मसाले को। और इसके बाद इसमें जाएगा 1 चम्मच पॉपी सीड या खसखस, ये 1 चम्मच खसखस डाल दें आप इसके अंदर, और इसको टॉस कर लें।
इसको धीमी आंच पे कुक होने दें, जब तक कि आपको बड़ी अच्छी खुशबू ना आने लगे मसाले की, तब तक इसको कुक करना है हमें धीमी आंच पे। लगभग एक मिनट तक इसको भूने आप, ध्यान रखें जलाना नहीं है। हल्का सा कलर जैसे ही चेंज होगा वैसे ही आप फ्लेम बंद कर दें। इसमें जीरा धनिया इनका कलर चेंज हो जाता है और मसालों को पक गए हैं कि नहीं ये खुशबू से पता चलता है आपको, काफी अच्छा अरोमा आ रहा है मुझे, आप जब बनाएंगे तो आपको भी आएगा। तो ये मसाले हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं, अब हमें क्या करना है, फ्लेम कर दें बंद और इसमें ऐड करेंगे हम कसूरी मेथी लगभग एक चम्मच, क्रश करके डालनी है। कसूरी मेथी यानी कि ड्राइड फेनुग्रीक लीफ। कसूरी मेथी डालने के बाद आप इसको हल्का सा चला लें, क्योंकि जो आपका पैन है जिसमें आपने ये मसाले डाले वो अभी भी गर्म है, तो हल्का सा कसूरी मेथी को भी सेक मिल जाएगा। साथ में ऐड करेंगे हम सौंठ पाउडर आधा चम्मच और गार्लिक पाउडर या लहसुन का पाउडर ये भी आधा चम्मच। इसके अलावा हल्दी डालेंगे हम, ये भी लगभग आधा चम्मच डाल दें आप, और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ये डाल देंगे हम एक चम्मच। मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे और आपका तंदूरी मसाला तैयार हो जाएगा। तो इसको ठंडा होने देते हैं। तो मसाले जो हमारे हैं ठंडे हो चुके हैं, अब हम एक ग्राइंडर में इनको निकाल लेते हैं और ग्राइंडर में डाल के इसको एकदम महीन ग्राइंड कर लेंगे हम। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राइंड कर लेंगे। चलिए इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये मसाला हमारा तैयार हो गया है, तो ये मसाला इधर रखें। अब क्या करना है आगे की प्रोसेस में, तो धीमी आंच पे ये दो चम्मच मैदा ले लें और इसको हल्का सा हमें रोस्ट करना है ताकि मैदा का कच्चापन जो है वो निकल जाए। बहुत हल्का सा रोस्ट करना है, बहुत ज्यादा नहीं पकाना है इसको, लगभग बस एक मिनट हमें रोस्ट करना है, ज्यादा नहीं करना है। तो ये मैदा हमारा रोस्ट हो गया है, फ्लेम करें बंद और आगे की प्रोसेस हम शुरू करते हैं। तो चलिए आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। आगे की प्रोसेस के लिए सबसे पहले ये मेरे पास जो गोभी है इसको हमें थोड़ा सा ब्लांच करना है, यानी कि पावर बॉइल करना है। ये मेरे पास एक माइक्रोवेव प्रूफ डिश है, इसमें मैं पानी ले लेता हूँ, लगभग 700 ml पानी लिया है। इतना पानी लेना है कि गोभी का जो सामने का पोर्शन है वो डूब जाए। इसमें डालेंगे नमक लगभग आधा चम्मच। नमक हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि गोभी में मैरिनेट पूरी तरफ से ऊपर से नीचे तक नहीं लग पाता है कई बार, तो वो फीकी ना लगे, इसलिए ये जो नमक के साथ इसको ब्लांच कर रहे हैं। साथ में डाल दें लगभग एक चौथाई चम्मच हल्दी और ये जो गोभी है इसको ऐसे उल्टा करके इसमें डिप करना है और डिप करने के बाद इसको या तो आप चाहें तो किसी बर्तन में नमक और हल्दी डालकर उबलते पानी में लगभग एक मिनट के लिए आप रखें और निकाल लें ताकि गोभी जो है थोड़ी पावर ब्लांच हो जाए, और या फिर जैसे ये मैं कर रहा हूँ माइक्रोवेव प्रूफ डिश में इसको लेके और माइक्रोवेव के अंदर डाल दें। तो गोभी को हमने ब्लांच होने के लिए रख दिया है और अब हम तैयार करते हैं एक मैरिनेट जो कि हम गोभी पे अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए ये लगभग 150 ग्राम दही है मेरे पास, ये ले लें और दही को हल्का सा फेंट लें ताकि दही में लंप ना रहे। और अब इसमें ऐड करें आप नमक स्वादानुसार, याद रखें कि गोभी जो ब्लांच हो रही है उसमें भी हमने थोड़ा नमक डाला है, एक चौथाई चम्मच क्वार्टर टीस्पून धनिया पाउडर बहुत थोड़ा सा डालना है, क्वार्टर टीस्पून हल्दी पाउडर ये भी एक चुटकी के लगभग डालना है, और ज़्यादा जो डालना है वो जो हमने मसाला तैयार किया है ये लगभग एक चम्मच डाल दें आप। साथ में इसमें कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है,
तो कसूरी मेथी भी डाल दें आप एक चम्मच के लगभग क्रश करके, तो ये मिक्स रहे। अब इसमें ऐड करेंगे ये जो हमने रोस्ट करके मैदा रखा है, ये लगभग 2 चम्मच डाल दें आप, क्योंकि हम साबुत गोभी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप गोभी को काट के सीख में लगा के तंदूर कर रहे हैं या प्लेट पे रख के कर रहे हैं तो आप ये रोस्टेड मैदा कम कर सकते हैं, लेकिन साबुत गोभी में अच्छी तरह से मैरिनेट लग जाए तो उसके लिए बाइंडिंग जरूरी है। ये हमारा मैरिनेट तैयार हो गया है और हमारी गोभी भी ब्लांच हो गई है, और अब इसके ऊपर ये मैरिनेट अच्छी तरह से लगा देना है। ये गोभी को हमने पीछे से अच्छी तरह से मैरिनेट अंदर तक भर दिया है इसके, इसी तरह से भर दें चारों तरफ, पहले पीछे भरें और उसके बाद ये गोभी को पलटा के ऊपर में भी इस तरह से आप मैरिनेट लगा दें, ताकि जो गोभी है हमारी वो चारों तरफ से मैरिनेट से कवर हो जाए। अच्छी तरह से कवर हो रही है। और अब क्या करना है हमें, अब इसको मैरिनेट होने के लिए लगभग 1 घंटे के लिए छोड़ दें, ताकि ये सारे मसालों का फ्लेवर गोभी के अंदर तक भर जाए। मैरिनेट भी हमने अंदर तक भर दिया है, तो चलिए इसको डालते हैं फ्रिज के अंदर 1 घंटे के लिए, और उसके बाद इसको ग्रिल करेंगे थोड़ा सा बटर लगा के, और तैयार हो जाएगी आपकी तंदूरी गोभी। इस तरह से बनाइएगा, कभी भी आपने गोभी का ऐसा टेस्ट नहीं लिया होगा जैसा इस गोभी में आता है, तो जरूर ट्राई कीजिएगा तंदूरी गोभी। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको रख रहे हैं मैरिनेट होने के लिए 1 घंटे के लिए। चलिए 1 घंटा इंतजार करते हैं और उसके बाद अपनी गोभी को ग्रिल करते हैं, तंदूर करते हैं। लगभग 1 घंटा हो गया हमारी गोभी को मैरिनेट हुए, तो उसको बाहर निकालते हैं। ये गोभी हमारी अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है, अब हमें क्या करना है, जो थोड़ा बहुत मैरिनेट बचा हुआ है वो और साइड में लगा दें आप, और साथ में इसमें डालेंगे थोड़ा सा ये मेल्टेड बटर है मेरे पास, ये बटर डाल दें, और इसके बाद ये ग्रिलर ट्रे है इस पर गोभी को प्लेस करना है हमें, और बचा हुआ जो मैरिनेट है ये इसके ऊपर अप्लाई कर दें, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा ये मेल्टेड बटर है ये और डाल दें, और इसको ग्रिल होने के लिए रख दें लगभग 20 मिनट के लिए। और लगभग 20 मिनट बाद आपकी तंदूरी गोभी तैयार हो जाएगी। तो लगभग 20 मिनट हो गए हैं, हमारी गोभी जो है अच्छी तरह से तंदूर हो गई है, बीच में एक बार हमने उसको पलटा भी लिया था और थोड़ा सा बटर भी लगा दिया था उस पर। चलिए उसको बाहर निकालते हैं। चलिए इसको सर्व करते हैं हम, ये सिज़लर प्लेट है मेरे पास, इस पे आप गार्निश कर लें, ये रेड कैबेज है इसके पत्ते लगा लें, और इसके ऊपर इसको प्लेस करें आप, और साइड में कैरेट के जूलियन में काटा हुआ कैरेट है थोड़ा सा कैरेट लगा लें, थोड़े से स्वीट कॉर्न भी है मेरे पास ये भी आप रख सकते हैं, गार्निश करें थोड़े से पुदीने पत्ते के साथ, और करें थोड़ा सा बटर। तो तैयार है आपकी तंदूरी गोभी, बहुत टेस्टी है और वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियंस को अगर तंदूर का मजा लेना है तो ये डिश जरूर ट्राई कीजिएगा।